हेलो फ्रेंड्स, होली का त्यौहार ख़त्म हो गया फाइनली। और त्यौहार ख़त्म होने के बाद इतनी थकान लगी है कि अब ना तो कुछ जो है बनाने का मन कर रहा है और ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ सादा सादा सा कम मेहनत वाला नाश्ता बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से बनाने की तैयारी कर ली, आलू और मटर की घुघरी। शाम को चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो पतली पतली आलू मैंने कट कर लिया यहाँ पे, और चाय बनाने का भी मन कर नहीं ना बिल्कुल नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। तो जो है मैंने मंगवाया गन्ने का जूस बाहर से। होली के अगले दिन थकान पता चलती है कि कितनी थकान है, और कुछ खाने का मन नहीं करता है। तली भुनी चीज़ तो बिल्कुल खाने की मन नहीं करती है। तो मटर छिली हुई रखी थी और आलू बारीक बारीक कट कर लिया, जिस तरीके से हम लोग घुघरी बनाते हैं बिल्कुल गांव में इसी तरीके से हमारे घुघरी बनती है फ्रेंड्स। पारंपरिक तरीके से इसी तरीके से आलू कट किया जाता है उसमें। तो आज हमने बनाई है आलू और मटर की घुघरी और गन्ने का जूस। इतना मज़ा आया शाम को चाय की जगह पर ये खा के कि पूछिए मत फ्रेंड्स। और जो लोग भी बहुत थक गए हैं वो एक नया जो है तरीका है ये नाश्ते का, ट्राई कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगा और इसमें कुछ भी नुकसान नहीं करेगा बिल्कुल, जो है हर चीज़ आपको एकदम फ़ायदा करेगी। इसमें कोई भी चीज़ नुकसान करने वाला नहीं है। बहुत कम तेल में घुघरी आपकी बनेगी, और गन्ने का जूस तो आप जानते ही हैं। आप चाहें तो मैंने यहाँ पे नींबू और पुदीना मिक्स किया है इसमें, जूस में मिक्स करके निकलवाया है। तो मैं दही नहीं डाल रही हूँ। अगर आप नींबू और पुदीना की जगह दही पसंद करते हैं तो दही भी डाल सकते हैं। हमको खुद को भी दही बहुत पसंद है गन्ने के जूस में फ्रेंड, लेकिन जो है अब यहाँ पे सब लोगों को नींबू और पुदीना वाला पसंद है। तो मैंने सोचा अब क्या दो तरीके का बनाना, वही मंगवा लिया मैंने। और देखिए पतली पतली आलू चॉप कर लिया है, अब जो है इसकी घुघरी बनेगी और चाय के साथ में मज़ा लीजिए। अगर ये आज की सिंपल और सादी सी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ट्राई करिएगा नाश्ते में। जब कभी कुछ भी ना बनाने का मन करे, कुछ भी खाने का ना मन करे। कैसा रहा आप लोगों का ये त्यौहार? देखिए घुघरी रेडी हो गई है, पक गई है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे और उसके बाद गिलास में जो है निकालेंगे गन्ने का जूस। गन्ने का जूस मैंने मंगवाया है एक डिब्बा भर के बाहर से निकलवा के, और एक एक कटोरी ये घुघरी खा के आज का नाश्ता और खाना बिल्कुल पेट भर जाएगा इससे। फिर कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा और इसमें कुछ भी नुकसान करने वाला भी नहीं है। तो घुघरी फ्रेंड्स रेडी हो गई है। कौन कौन बनाता है आलू और मटर की घुघरी गन्ने के जूस के साथ? चलिए गिलास लेते हैं और कटोरियाँ घुघरी निकालते हैं और फटाफट से सर्व करके सबको देते हैं। अगर ये आपको पुराना तरीका घुघरी बनाने का पसंद आया हो, या आप भी इस तरीके से बनाते हो, तो जो है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स और शेयर भी कर दीजिएगा। आप किस तरीके से बनाते हैं, आपको सिंपल खाने में क्या पसंद है? वैसे ये मौसम जो इस समय चल रहा है, इस मौसम में फ्रेंड्स गन्ने का जूस बहुत अच्छा लगता है, और अगर साथ में घुघरी भी हो तो क्या बात है, बिल्कुल टेस्ट और मज़ा दोनों ही डबल हो जाता है। तो घुघरी मैंने निकाल के रख लिया है, अब चलते हैं गन्ने का जूस सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मैंने गन्ने का जूस निकलवाया है। इसमें हमने पुदीना और नींबू सारा कुछ डाल के बिल्कुल फ्रेश निकलवाया है। मैंने दो डब्बे गन्ने के जूस मंगवाए हैं। आज शाम को मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ, दोपहर में खाना नहीं बनाने वाली हूँ, बस यही गन्ने का जूस हम लोग पियेंगे दो दो ग्लास, और जो है एक एक कटोरी घुघरी, और बिल्कुल मस्त टेस्ट वाली घुघरी है। अगर आपके यहाँ भी गन्ने का जूस अवेलेबल हो, कहीं पास में निकलता हो, तो आप भी मंगवा लीजिए। वैसे फ्रेंड्स इस गन्ने के जूस के साथ में जो है कचालू बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन कचालू जो है बहुत चटपटी बनती है, और ये लोग इमरती समोसा और सारी चीज़ें मटरी खा खा के बिल्कुल बोर हो चुके हैं। तो इसीलिए मैंने वो नहीं तैयारी करी है कचालू की, घुघरी बनाई है जिससे कि बड़े बुज़ुर्ग भी खा लें, उनको ज़्यादा मिर्चा वगैरह ना लगे। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये सिंपल साधारण और हेल्दी टेस्टी नाश्ता?
अगर अच्छा लगा हो तो ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।